हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर मावा बर्फी। इसके लिए हम आधा केजी गाजर लिए हैं, रेड गाजर है। इसको अच्छी तरह से धोकर छील लिए हैं। अब हम इसका कद्दूकस करेंगे। सारे गाजर को कद्दूकस कर लिए हैं। इधर कढ़ाई गरम हो रहा है। कढ़ाई गरम हो गया है, अब हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम घिसे हुए गाजर को डाल देंगे। चलाते हुए 5-7 मिनट तक भूनेंगे गाजर को, एक्स्ट्रा पानी सूखने तक। गाजर मुलायम होने लगा है। गाजर सॉफ्ट हो गया है, 5-7 मिनट भून लिए हैं। अब हम 1 लीटर दूध डालेंगे। चलाते हुए पकाएंगे गाढ़ा होने तक। दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ढक देते हैं, पूरा नहीं ढकेंगे, नहीं तो उबल कर गिरने लगेगा। दूध में उबाल आने लगा है, चलाते रहेंगे बीच बीच में ढक्कन हटाकर, नहीं तो अंदर से चिपक जाएगा। फिर से ढक देंगे हल्का, पूरा नहीं ढकेंगे, बीच बीच में हटाकर देखते जाएंगे। दूध अब गाढ़ा होने लगा है। चलाते रहेंगे तो चिपकेगा नहीं। दूध गाढ़ा हो गया है, अब हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। कटोरी ज़्यादा भर कर नहीं लिए थे, थोड़ा खाली ही था। अच्छी तरह से मिला देंगे। चीनी डालने के बाद फिर से गाजर में पानी हो गया है। इसको चलाते हुए अच्छी तरह से सुखाएंगे। गाजर का पानी सूखने लगा है। चीनी डालने के बाद जो पानी छोड़ा था वो सूख गया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे और अच्छे से सुखाएंगे पानी। चलाते हुए अब पानी सूख गया है अच्छी तरह से। अब हम 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस को बंद कर देंगे। घी गैस बंद करने के समय डालेंगे। गैस बंद कर दिए हैं, चलाते रहेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब देख सकते हैं इस तरह से हल्का ठंडा हो गया है गाजर। इस तरह से हाथ से गोली बनाकर देखेंगे, हाथ में नहीं चिपक रहा है। ये बर्फी बनने के लिए गाजर तैयार है।
जिस प्लेट या थाली में बर्फी जमाना है उसमें थोड़ा घी लगा देंगे। प्लेट में हम गाजर डालकर अच्छी तरह से चिकना कर दिए हैं बर्फी जमाने के लिए। तब तक उधर रेस्ट के लिए छोड़ दिए हैं। इधर हम कढ़ाई में आधा लीटर दूध डालकर मावा बनाएंगे। इसके साथ साथ 2-3 चम्मच चीनी डाल देते हैं दूध में, जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। चलाते हुए पकाएंगे। दूध हल्का गाढ़ा होने लगा है। चलाते हुए पकाएंगे, छोड़ने से चिपकने लगेगा, जल जाएगा दूध। दूध गाढ़ा होने लगा है, रबरी जैसा दिखने लगा है और हल्का सा गाढ़ा करेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अब हम गैस को बंद कर दिए हैं, गाढ़ा हो गया है। अब हम गाजर के ऊपर में मावा या रबड़ी, जो भी बोल सकते हैं आप, उसको हम लगा देंगे। अच्छी तरह से हम गाजर के ऊपर मावा लगा दिए हैं। अब हम ऊपर से कटे हुए बादाम डालकर गार्निश कर देते हैं। आप इसके ऊपर पिस्ता भी डाल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास पिस्ता नहीं था, इसलिए हम सिर्फ बादाम ही डाले हैं। काट कर हल्का हल्का हाथों से दबा देंगे। इसमें अच्छे से बादाम सेट हो जाएगा। इसको 4 से 5 घंटा जमने देंगे बर्फी। 4-5 घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं बर्फी सेट हो गया है अच्छी तरह से। अब हम चाकू की मदद से कट लगा देंगे। छोटे बड़े शेप में, जो शेप में आप बर्फी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप कट लगा सकते हैं। हम यहाँ गाजर मावा बर्फी को स्क्वायर शेप में काट रहे हैं। आपको जो शेप पसंद आए आप उस अनुसार कट लगा सकते हैं। हम पूरे प्लेट में कट लगा दिए हैं बर्फी पर। अब हम चाकू की मदद से बर्फी को निकाल लेंगे अलग दूसरा प्लेट में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बर्फी बनकर तैयार हुआ है। बाद में और भी अच्छी तरह सूख जाएगा बर्फी। हम सारे बर्फी को अलग प्लेट में निकाल लिए हैं। गाजर और मावा के बर्फी तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत ही बढ़िया गाजर मावा बर्फी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एकदम हलवाई जैसा बनकर तैयार हुआ है गाजर मावा बर्फी।
बहुत ही स्वादिष्ट गाजर मावा बर्फी है। आप भी इस तरह से अपने घर में गाजर मावा बर्फी बनाइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके बाय।